दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं एविल आप सभी का एविल एडुस्पोर्ट पर स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे DRDO के बारे में। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, जिसकी डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और डॉक्टर सतीश रेड्डी इस गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। आज इसमें 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, जो सभी मिलकर इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। DRDO में बनाई गई डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जैसे कि लैंड कॉम्बेट, एरोनॉटिक्स, लाइफ साइंस, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम इत्यादि। DRDO की स्थापना डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को मिलकर हुई थी। भारत में DRDO की कुल 50 लेबोरेटरीज हैं, जो कि भारत के अलग अलग प्रमुख राज्यों में स्थित हैं। DRDO ने अपना पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो बोला जाता है, 1960 में किया था। तब से लेकर आज तक भारत के इस महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट ने कई बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि DRDO ऐसे ही इंडिया को अपना योगदान देता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें हमारे सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना कर सकें, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। थैंक यू।